हमसे गारंटी रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को मजबूत किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार पिंटू और आप देख रहे हैं सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ बड़हरा प्रखंड के चातर में पहुंचा, हुआ भव्य स्वागत। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और उनका लाभ आम जनता तक सुनिश्चित किए जाने को लेकर चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ शुक्रवार को बड़हरा प्रखंड के चातर में पहुंचा। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचते ही भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा पर लगे LED के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा समाज की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, तो वही प्रचार सामग्रियों का निशुल्क वितरण ग्रामीणों के बीच किया गया। मौके पर रथ के साथ पहुंचे अधिकारियों ने भारत की एकता को सुदृढ़ करने, देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करने तथा नागरिक का कर्तव्य निभाने को लेकर शपथ दी। का संकल्प यात्रा बड़हरा के चातर में पहुंचा हुआ है, आप प्रखंड अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के गारंटी योजना जो है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो भी शिल्पकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए ये जो योजनाएं चल रही है किसानों के लिए, उस सारे लोगों को इस रथ के माध्यम से, गारंटी रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को मजबूत किया जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम रहा बड़हरा में किन किन जगहों पर रहा? आज बड़हरा में एक बखोरापुर में हुआ और मेरे बबुरा मंडल के अंतर्गत बभनगावा पंचायत के चातर गांव में हुआ। इस जो ये संकल्प रथ यात्रा घूम रहा है, ये लोगों जैसे कि ड्रोन यहाँ दिखाया गया, उसका मैंने क्या रोल है? देखिए, ड्रोन का रोल है कि उस ड्रोन के माध्यम से इस मैंने पूरे इलाका को, पूरे खेत को, जो भी है जिसका किसान का जमीन भूमि है उसको अधिग्रहित करके लोगों को सही दिशा में बताया जा रहा है। ठीक है, परिचय दे दें। रंजीत कुमार गुप्ता, मंडल अध्यक्ष बबुरा, बड़हरा भोजपुर। कार्यक्रम स्थल पर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, PNB किसान योजना, मोटा अनाज तथा अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी चलचित्र और संबंधित अधिकारियों के द्वारा दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में शैलेश कुमार गुड्डू, बड़हरा मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार, विपिन बिहारी सिंह, विजय कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, सतीश कुमार बिट्टू, संदीप कुमार, जयप्रकाश सिंह, नारायण सिंह तथा SBI फुहा के बैंक मैनेजर सहित अन्य लोगों की सराहनीय भूमिका देखी गई। एक करोड़ से अधिक बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। बिहार में गरीबों का पेट भरने से गरीब कल्याण अन्न योजना अनवरत जारी है। एक जमाने लोग अपने मकान को तरसते थे, संकल्प था लोगों का वास अपने आवास में, तभी तो आवास योजना करवाकर। ये संकल्प रथ यात्रा को लेकर आप लोग घूम रहे हैं, कैसा महसूस रहे, लोगों का रिस्पांस क्या है? अच्छा है सर, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। और हम लोग सहरसा जिला से हैं सर, मेरा नाम जयकिशन शर्मा हुआ, मेरा घर सहरसा से 50 किलोमीटर पड़ता है सर, वार्ड 6 नंबर में पड़ता है सर। जी सर, हम कहाँ कहाँ हुआ जानकारी दे पाएंगे का? जी सर, आज रथ कहाँ कहाँ घूमा है? आज क्या बोल रहे हैं, सेकंडरी घूमे हैं सर, यहाँ पे घूमे हैं सर, जगह का नाम क्या है, पात्र में से। इसके बाद अब और कहीं जाना है? जी कल को जाएंगे सर। आज का कार्यक्रम यहाँ से खत्म हो गया सर। ठीक है, अपना परिचय दे। जयकिशन शर्मा सर, मेरा नाम है, 2735 गाड़ी नंबर। गाड़ी आप चलाते हैं? जी सरकारी गाड़ी चलाते हैं सर। जी आप क्या महसूस करते हैं रथ को चला करके? जी इसमें तो हम लोग को सरकारी विभाग से मिला हुआ है सर। जी ये तो काम तो चलिए ड्यूटी दूसरा है, लेकिन आपको लगता कैसा है इसको? अच्छा लग रहा है सर। आम जीवन में भी लोग ड्राइवर का काम करते हैं, लोगों की गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप रथ चला रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है सर। ठीक है, ठीक। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बभनगावा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ब्रिजमोहन पासवान ने बताया कि संकल्प यात्रा से लोगों को काफी मदद मिल रहा है, लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ मैं अश्वनी कुमार पिंटू, सीने आजकल CM इंडिया TV भोजपुर से।